होली और शबे बारात दोनों एक ही दिन यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों के त्यौहार एक साथ हुए हैं, तो आज जो है होली और शबे बारात दोनों मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं हूँ माहिम दरगाह पे। माहिम दरगाह बहुत ही चर्चित है, मखदूम साहब बाबा की दरगाह है ये। यहाँ का जो रिस्पेक्ट है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत रिस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं बड़े ही कायदे से अगर मैं दिखाऊँ तो देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा जो है अपना काम करती है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, थोड़े थोड़े लोगों को वो छोड़ रहे हैं। अगर मैं देखूँ तो इधर से जाने वाले को भी थोड़े लोगों को छोड़ा जाता है। और अगर ये जो पुलिस की बंदोबस्त है, ये पुलिस हमेशा जो है बोलते हैं ना कि देखिए किस तरह से पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। यहाँ के जो दरगाह के काम करने वाले लोग हैं वो तो थोड़े लोगों को भेजा जाता है, अगर तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं। ये देखिए ये क्यू करके एक आने के लिए लगाया गया है दरगाह और ये जाने के लिए, तो पुलिस जो है बहुत बंदोबस्त करके कहीं ना कहीं जो है ये देखिए ये अब थोड़े लोगों को छोड़ा गया और ये लोग जो है अब जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जो है मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार जो है बहुत दो सालों के बाद लोगों को जो है थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं राहत मिली है कि थोड़ा से खुलेपन में वो अपना त्यौहार मना पा रहे हैं। होली का भी त्यौहार इसी तरह से आज लोगों ने खुशियों से मनाया और कहीं ना कहीं शबे बारात की जो रात है, आज की रात इबादत की रात है, लोग दरगाहों पे जाते, मस्जिदों में जाते, नमाज पढ़ते, इबादत करते और कहीं ना कहीं ये नज़ारा फिर से दो साल के बाद देखने को मिला। और फिर से मैं यही कहूँगा, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे, गॉड ना करे, भगवान ना करे कि दोबारा फिर से हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़े। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल से हम लॉकडाउन से निकले हैं। एक बात और ज़रूर कहूँगा मैं, आप सब जो है कोविड 19 के नियमों का पालन करें, प्रिकॉशन अभी भी करें, क्योंकि चाइना में फिर से लॉकडाउन होने की हो चुका है, चाइना में फिर से लॉकडाउन हो चुका है। तो मैं यही अपील करूँगा कि आप लोग जो है प्रिकॉशन करते हुए कहीं ना कहीं त्यौहार मनाएं, एक दूसरे से मिलें। और ये जो नज़ारा है ये दो साल के बाद देखने को इस तरह का नज़ारा मिल रहा है और भगवान करे, ईश्वर करे कि हमेशा इसी तरह का नज़ारा देखने को मिले। डबल ड्यूटी हो गई इस बार आप लोगों की, होली भी और शबे बारात भी। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, सबको बड़ी रात मुबारक, हैप्पी होली। हमारा तो काम ही बंदोबस्त करना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों पुलिस जो है हमेशा अपना कर्तव्य निभाती रहती है। हम सब जब त्यौहार मना रहे होते हैं तो पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही होती है ताकि हम त्यौहार अच्छे से मना पाएं। तो दोस्तों इस वक्त मैं माहिम दरगाह के पास हूं और माहिम दरगाह में बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट किया गया है और कुछ लोग जा रहे हैं, फिर कुछ लोग आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि बहुत जमाने के बाद यानी बहुत टाइम के बाद कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, ये रौनक जो है बहुत टाइम के बाद ये रौनक देखने को मिली है। दिवाली, होली और शबे बारात दोनों एक साथ आया है।